जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियोस पे हम लोग कुछ INET की बात कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए व्यूअर्स जब हमने ये वीडियो डाली तो अलग अलग क्वेश्चंस आए, तो मैंने कहा आज एक वीडियो क्वेश्चन नुमा आपका क्लियर करते हुए कि INET का क्या कट ऑफ है, INET का क्या सिलेबस है, INET में शिफ्ट के पेपर कैसे होते हैं, कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर होता है। तो देखिए, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, 2019 में आया था, नया कॉन्सेप्ट है भारतीय नौसेना के लिए। INET ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए एग्जाम ले रहा है, जो जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, जो जा रहे हैं टेक्निकल ब्रांच में, जो जा रहे हैं एजुकेशन ब्रांच में। अब ये जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेल एंड फीमेल्स दोनों हैं। तो सबसे पहले एक विवरण, एक डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी ब्रांचेस में कौन कौन जा सकता है। पायलट में, नेवी में, इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, आप मेल कैंडिडेट्स ही INET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड ऑब्जर्वर के लिए दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेवल आर्मामेंट के लिए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के लिए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था एक डिस्क्रिप्शन कि भाई INET के थ्रू कौन कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं और उसमें मेल्स फीमेल्स कौन कौन किस किस ब्रांच में जा सकता है। अब बात करते हैं INET के क्वेश्चन पेपर की। देखिए, INET का जो क्वेश्चन पेपर है वो नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट डिजाइन कर रहा है। NDI जब ये पेपर डिजाइन कर रहा है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर ऑफिसर्स से, फ्यूचर नेवल कमीशन्ड ऑफिसर्स से ये रहेगी कि हर सेक्शन, INET के चार सेक्शंस हैं, इंग्लिश का है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, जनरल साइंस एंड मैथ्स का है, एंड जनरल नॉलेज का है। चारों सेक्शन जो 25 25 25 25 क्वेश्चंस के हैं, 100 मार्क्स ईच, मतलब 4 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स ईच सेक्शन, तो 4 के 400 मार्क्स हो गए। 400 मार्क्स में जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ इज हैज टू बी 50%, मिनिमम कट ऑफ इज 50%, यानी कि 400 नंबर का पेपर है तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी है, और साथ में 50% मतलब 200 प्लस स्कोर लाना है 400 में से, और साथ में क्या करना है, साथ में हर सेक्शन का कट ऑफ भी निकालना है, यानी कि इंग्लिश का भी कट ऑफ निकालना है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी कट ऑफ निकालना है, GS एंड मैथ्स का भी कट ऑफ निकालना है, और जनरल नॉलेज का भी कट ऑफ निकालना है। अगर एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो फरवरी 2020 में जो पेपर हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ गया था 240 आउट ऑफ 400, मतलब 400 में से 240 नंबर गए थे उस कैंडिडेट के जिसने लास्ट INET का पेपर पास किया था। साथ में उस कैंडिडेट ने 40% हर सेक्शन से अचीव भी किए हैं। अगर हम कुछ डेमो क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसका इट इज मोर टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, जैसे करेंसी ऑफ म्यांमार पूछा था, जैसे जिसे कयात है, कयात इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, आपके लिए बता दूं। कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे पूछा, हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया पूछा था, एलिफेंट है नेशनल हेरिटेज एनिमल। नोबेल प्राइज 2018 में किसने जीता था, नादिया मुराद ने जीता था, मिस नादिया मुराद ने, शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान। तो कहने का तात्पर्य यह कि देखिए, जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है That is not refined to Indian GK only. World की knowledge आपको होनी चाहिए, world में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको knowledge होना चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने in detail syllabus की बात की, तो चलिए in detail syllabus की बात करते हैं। Section 1 जो कि English का है, English में RC है, reading comprehension है, synonyms है, antonyms है, सारी parts of speech है, direct indirect है, idioms and phrases हैं, active passive है। Overall, the INET paper of English is designed in such a manner they want to know कि भाई बंदे की grammatical English कितनी strong है और non-grammar English कितनी strong है। मतलब पूरे paper में you will find grammar के भी questions in the form of spotting the errors,
in the form of narration, in the form of active passive, in the form of idioms and phrases. और नॉन ग्रामर के भी आरसी मिलेगा आपको, वो कैप मिलेगा आपको. तो ये सारी चीजें आपको दोनों पार्ट्स पे फोकस करना है अगर इंग्लिश के आईएनटी के सिलेबस की बात करें. रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो देखिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एफकैट से बहुत मिलता जुलता है. मैं हर बार आईएनटी की वीडियोस में बोलता हूं कि आईएनटी कांसेप्ट इज टेकन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ओनली. भारतीय नौसेना ने कहा कि भैया जब इंडियन एयरफोर्स एफकैट नामक एग्जाम से ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट कराने में सक्सेसफुल है तो हम भी यही कराएंगे, और इसीलिए आईएनटी की खोज हुई. इसी से आइडिया आया कि इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट ऑफिसर्स का भी लिया जाएगा. तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल सेम है. न्यूमेरिकल सीरीज है, रीजनिंग है, सीक्वेंसेस हैं, स्पेलिंग्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, अनस्क्रैम्बलिंग है, मिसिंग नंबर्स है, सीरीज कंप्लीशन है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपका मेंसुरेशंस, LCM, HCF, एलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सारा सिलेबस. जनरली अगर आप मुझसे पूछो आम आदमी की भाषा में तो जो CBSE का सिलेबस है उस सिलेबस से यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक FCAT का मैथ्स एंड INET का मैथ्स. आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE के मैथ्स की कोर्स. अगर आपने सही से बीइंग अ UPSC कैंडिडेट अगर हमने सही से CBSE की मैथ्स के लिए पढ़ लिया तो हमारे पास ऑप्शंस INET और FCAT के भी खुल जाता है. अक्सर मैं अपने क्लासेस में त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के जो 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 ग्रेजुएट लेवल के क्लासेस चलते हैं जिसमें CBSE के बारे में बात होती है, पढ़ाई होती है, उसमें बताता हूँ कि भाई अगर CBSE की पढ़ाई शिद्दत से कर ली तो FCAT और INET निकालने के पूरे चांसेस हैं, सिवा इसके कि आपको रीजनिंग अलग पढ़नी पड़ेगी. FCAT में मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो होती है वो है, और उसी का यहाँ पे नाम है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. नेम इज द सेम, कोर्स इज द सेम, बस प्रिपरेशन करनी है. जनरल साइंस में आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन पे काम करना पड़ेगा. थोड़ा सा एसिड बेसिस पीरियोडिक टेबल पे करना पड़ेगा. फिजिक्स में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे यूनिट्स आपको करने हैं. यू कैन नॉट लीव ग्रेविटेशन, यू कैन नॉट लीव मॉडर्न फिजिक्स, बहुत 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 जरूरी है आज के टाइम पे. जनरल नॉलेज इज नॉट रिफाइंड टू इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी, भारत की ज्योग्राफी, इट इज मस्ट, बट साथ में स्ट्रॉन्ग करना है करेंट अफेयर्स. करेंट अफेयर्स अगर मुझसे पूछोगे तो पूरे एक साल का पढ़ना है. इट्स नॉट कि मैं पिछले दो महीने का पढ़ लो, नहीं, दैट इज नॉट सफिशियंट एनफ. देखो ये जो INET का पेपर है ये शिफ्ट्स में होता है, जैसे FCAT के अक्सर शिफ्ट 1 का लड़का और शिफ्ट 2 का लड़के का पेपर मिसमैच होगा. दिस इज डिजाइन दिस वे ताकि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को क्वेश्चंस ना बता पाए. यही रीजन है FCAT में भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर्स अलग अलग होते हैं. मेरे पास कल बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर हमारा तो क्वेश्चन पेपर अलग है, इसका पेपर क्वेश्चन अलग है. हाँ अलग होता है, इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट क्वेश्चन पेपर्स दोनों अलग अलग हों. INET के थ्रू आप ऑफिसर बन रहे हो. नेवी में रैंकिंग सिस्टम आपको पता होगी, फिर भी रिमाइंड करा दूं, सब लेफ्टिनेंट से चालू होता है, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कोमोडोर, फिर रियर एडमायरल, फिर वाइस एडमायरल, फिर एडमायरल. पहली सैलरी 56,100 से लेके 177,500 तक की होती है थ्रू INET. डिपेंड्स आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है या परमानेंट कमीशन है, सैलरी विल रिमेन द सेम. कमीशन कैन बी डिफरेंट. आप अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं तो आप 14 साल के लिए नेवी के मेहमान बन के रहेंगे. मेहमान मतलब यू विल बी एबल टू सर्व इन इंडियन नेवी फॉर 14 ईयर्स. बट अगर आपको परमानेंट कमीशन है तो यू कैन सर्व अप टिल 30 ईयर्स ऑफ योर जॉब. सो अगेन आई एम सेइंग INET FCAT एस्पिरेंट्स नेवी इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इन द स्टैंडर्ड्स. इस वीडियो से आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि इन डिटेल सिलेबस क्या है और भाई कट ऑफ क्या होता है. कट ऑफ का गोल्डन रूल यह है कि भैया पूरे पेपर का 50% करके आना है. और लास्ट लाइन ये बोलूंगा कि जो बंदा CDS एस्पिरेंट है ही और शी शुड थिंक ऑफ क्रैकिंग FCAT एंड INET ऑल्सो प्रोवाइडेड वो एलिजिबल.
एलिजिबल है तो प्लीज एफकैट में आप जैसे एलिजिबिलिटी के लिए 60% चाहिए, आईएनईटी के अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेरा आप सबसे दरखास्त ये रहेगी कि इफ़ यू आर टारगेटिंग कोर्सेज लाइक एफकैट, आईएनईटी या सीबीएस, तो ग्रो अप, अपना लेवल बढ़ाओ। अंडर ग्रेजुएट एनडीए के एग्जाम्स में भारत की करंट अफेयर्स आता है, बट अब व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आपको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल इश्यूज पता हो, सही से तैयारी करके जाना। मैं आज यहाँ पे इतना ही बोलूंगा आपको, कुछ सैंपल आईएनईटी के क्वेश्चन पेपर्स नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा, अलग अलग टीचर्स डालेंगे, सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि भैया किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आईएनईटी में आता है। वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश पेपर और फिर धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ। If you like the video, please do share it, दोस्तों से share करो, and हाँ, bell icon का advantage ये है कि सबसे पहले आपको video पता चल जाती है, so do click on the bell icon, thank you, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।